पूजे करते हैं, नमस्कार अदा करते हैं। कल जन्म होता है, आज का रोज के जिसे जिसे कुर्बान भी कहा जाता है, और आज का रोज मुबारक रोज है, मस्कत का रोज है। लिहाजा आज के दिन इंसान को ये चाहिए कि वो अफराद के जो परेशान हाल है, जो गरीब है, उनका ख्याल रखा जाए। इसीलिए इस्लाम ने ये हुक्म दिया है कि देखो कुर्बानी के गोश्त को खुद उन तक जाकर पहुँचाओ, ताकि उनके दरवाजे पे भी तुम जाओ। तो ये तमाम चीज़ें हैं और परवरदिगार ने जो हुक्म दिया है, और ये मुस्तहब है कुर्बानी करना, ये मुस्तहब है। और यहाँ तक भी रवायत है कि अगर तुम्हारे पास पैसा ना हो तो कर्ज लेकर भी अदा कर दो, परवरदिगार उसे अदा कर देगा। ये मुस्तहब मुअक्कदा है और सबको मालूम है। और तमाम चीज़ें हैं जो मसाइल हैं, उनमें से एक ये भी है कि दीगर ऐबों से पाक। अब अगर मजबूरी हो तो उसका मसला अलग है, मजबूरी है तो मसला अलग है, लेकिन मजबूरी नहीं है तो फिर बेहतर ये है कि तमाम ऐबों से पाक। लेकिन अब आप देखें, कह दें इस जुमले को, अब आप देखें कि ऐसा मालूम होता है कि हम कुर्बानी नहीं करते, ऐसा मालूम होता है कि हम बकरे की शादी कर रहे हैं, पूरा शजरा ढूंढते हैं उसका, पूरा शजरा जो है ढूंढते हैं, नहीं बस जो है ये है कि ऐब से पाक हो। और अगर मजबूरी हो तो फिर उसमें कोई हरज नहीं हो, मजबूरी हो तो। और दूसरी चीज़ बहुत मुख्तसर कर रहे हैं खुदा, और दूसरी चीज़ ये है कि ये हुक्म है कि देखो कुर्बानी करो तो इसे जो है तीन हिस्से में तकसीम करो, एक जो है खुद अपने लिए रखो एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा जो है अपने हमसाय को दो, पड़ोसियों को दो, दोस्तों को दो, और एक हिस्सा वो अफराद की जो गरीब है, जो गरीब है, मुस्तहक है, नादान है, तो फिर एक हिस्सा तुम उन्हें दो। ये हुक्म है, इस्लाम ने ये हुक्म दिया है कि तीन हिस्से में तकसीम करो और हर एक को एक एक हिस्सा तकसीम करो। तो जाहिर सी बात है कि उसका एक फलसफा ये भी है कि इंसान जो है आज के दिन जो है गरीबों को फरामोश न करे। जिस तरीके से हम खुश हैं तो हमें चाहिए कि इसी अमल के जरिए वो अफराद की जो गरीब है उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट लाए। ये जो है इसका एक फलसफा है, और मुख्तसर ये है कि परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हमें ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Salli ala nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Tasleema.